नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कभी कभी भगवान जब देता है ना तो किसी को छप्पर फाड़ के देता है, तो ये कहावत अभी हाल ही में जेफ बेजोस के साथ सच हो गई, बेजोस के साथ सॉरी। अभी तक 200 बिलियन डॉलर 200 अरब डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा किसी ने भी पूरी दुनिया में टच नहीं किया था, लेकिन जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के हैं, उन्होंने इस आंकड़े को टच कर लिया है। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर और देखते हैं कि जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के मालिक हैं और संस्थापक भी हैं, उन्होंने क्या किया और क्या न्यूज में रहा। तो जेफ बेजोस पता नहीं क्या बेजोस निकलता है मेरे मुंह से, जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति बन गए हैं कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से ही अब और धनी हो गए हैं और वैसे ही वो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। 26 अगस्त 2020 को अमेज़न के शेयर में 2% का उछाल आया, जिसके बाद जेफ बेजोस की संपत्ति में 4.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। 26 अगस्त 2020 को अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति 204.6 अरब डॉलर हो गई है। उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से पूरी 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की वर्तमान में संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो थे ही, साथ साथ 200 अरब डॉलर का आंकड़ा छूने वाले पहले व्यक्ति बन गए धरती पर। जेफ बेजोस की बात करें तो अमेज़न की शुरुआत उन्होंने कैडरेबा.com नामक एक वेबसाइट से की थी, जो कि उन्होंने 1994 में बनाई थी। बाद में 1995 के शुरुआती दौर में वो कैडरेबा का नाम बदलकर अमेज़न कर देते हैं। शुरुआत में उनके पास मात्र 3 कंप्यूटर थे और एक छोटे से कमरे में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। शुरू में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ पुरानी किताबें बेचती थी, घंटों किताबों को पैक करना और फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी करना खुद जेफ बेजोस ने किया है। और उसके बाद कंपनी का धीरे 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 शेयर जो है बढ़ता गया और कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है। 2007 में कंपनी ने अमेज़न किंडल नाम का एक फीचर लॉन्च किया, जिसको पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया गया और उसकी वजह से अमेज़न आज जहां है वो वहां पहुंचती है। कहते हैं कि शुरुआत में जो फंडिंग हुई थी $3 लाख की, वो उनके माता पिता ने उनको करके दी थी। कभी किताबों को बेचने वाला, कभी पुरानी किताबें बेचने वाला दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। तो जेफ बेजोस की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपके इरादों में जान है और आपको लगता है कि आपका आइडिया इनोवेटिव है, और एक आप ये भी कह सकते हैं कभी कभी समय भी बहुत सटीक होता है, क्योंकि 95 एंड 90 के दौरान जो ये चीज़ें चल रही थी, हम सबको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बट जितने भी पाश्चात्य देशों में थे, जितने भी अमेरिका या ब्रिटेन में लोग थे, उनको एक अंदाज़ा लग गया था कि आगे आने वाला जो भविष्य है वो मोबाइल फ़ोन है। और मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली थी, बहुत सारी बदलने वाली थी चीज़ें वेबसाइट की वजह से। तो जिन लोगों को लगा कि आगे आने वाला जो व्यापार है, जो चीज़ें हैं, वो ऑनलाइन ही है, वरना सोचिए कि अमेज़न अपना खुद का शायद ही बहुत कम प्रोडक्ट बनाती है, कुछ केबल्स वगैरह बना लेती है, लेकिन ना तो वो अगर सही ढंग से बोला जाए तो ना तो वो सही ढंग से कुछ बनाते हैं और ना ही वो उसको कहीं प्रमोट करते हैं, अपना प्रोडक्ट वो प्रमोट ही नहीं करते। वो हमेशा एक मार्केट प्लेस दिया उन्होंने, बना कोई रहा है, उसने बहुत मेहनत करके अपना प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद अमेज़न पे डाला और वो फिर खरीद कोई रहा, लेकिन बीच में पैसा सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? अमेज़न। अमेज़न की बात करें तो अमेज़न एक क्लाउड कंपनी है, क्लाउड कंपनी का मार्केट प्लेस है एक तरह का। इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं और 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो आपकी अमेज़न हो चुकी है। अगली जानकारी है जेम्स एंडरसन। मुझे याद है कि जब मैं क्रिकेट देखा करता था तो जेम्स एंडरसन नए नए आए थे, अब नहीं देखता हूं। तो जेम्स एंडरसन ने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए और इस तरीके से ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले वो दुनिया के अभी तक के केवल चौथे बॉलर हैं, चौथे गेंदबाज हैं, जबकि वो दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं जो 600 के क्लब में शामिल हुए हैं। अभी तक कोई भी तेज गेंदबाज इतने लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेल पाया, बिकॉज तेज गेंदबाज को काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, काफी लंबा रनअप लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कई सारी चोटें लगती रहती हैं। लेकिन हाल फिलहाल इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, जिन्हें प्यार से जिमी भी कहा जाता है, तो इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट के दौरान 25 अगस्त 2020 को उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का 600वां विकेट लिया। जेम्स एंडरसन का 600वां शिकार बने पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली। इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट ने पहली स्लिप में उनका कैच पकड़ा
और सभी खिलाड़ियों ने एंडरसन को घेर लिया और ये उपलब्धि उन्होंने अपने 156वें टेस्ट में हासिल की है। वे टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते तेज गेंदबाज हैं। जबकि ओवरऑल की बात की जाए, यानी कि तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाजों को मिला लिया जाए, अब ये मत पूछना कि स्पिन गेंदबाज और तेज गेंदबाज कौन होता है ना, तो उनसे पहले ये आंकड़ा श्रीलंका के मुतैया मुरलीधरन फिरकीबाज 800 विकेट ले चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708 विकेट ले चुके हैं और भारत के अनिल कुंबले 619 ने ही इस आंकड़े को पार किया है। लेकिन कुछ बातों के मामले में जेम्स एंडरसन ने पछाड़ दिया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर अगर किसी गेंदबाज ने 600 विकेट हासिल किए हैं तो यह कारनामा श्रीलंका के पूर्व फिरकी गेंदबाज मुतैया मुरलीधरन ने किया है। मुरलीधरन ने 600 के क्लब में शामिल होने के लिए 33,711 बॉल फेंकनी पड़ी। लेकिन अब इस मामले में दूसरे पायदान पर जेम्स एंडरसन का नाम है, क्योंकि उन्होंने इसको हासिल करने के लिए सिर्फ 6 गेंदें ली हैं मुतैया मुरलीधरन से अधिक, वो 33,717 बॉल उन्होंने फेंकी हैं। जबकि शेन वॉर्न की बात करें तो शेन वॉर्न को 34,920 गेंदें फेंकनी पड़ी थी और अनिल कुंबले को 38,494 गेंदें फेंकनी पड़ी थी। तो सबसे अधिक विकेट यानी कि 600 विकेट जो जल्दी से हासिल किया है वो मुतैया मुरलीधरन ने हासिल किया है, श्रीलंका के तेज गेंदबाज। अगली जानकारी है आईएनएस विराट, जिसने कभी भारत के सबसे अक्षय एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल निभाया, अब वो एक कबाड़ में तब्दील हो जाएगा। 3 वर्ष पूर्व इसको रिटायर किया गया था। नाम है आईएनएस विराट, विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें एयरक्राफ्ट जो है MiG-29 वगैरह लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं। विराट को अगले माह मुंबई से गुजरात के अलंग कस्बे में स्थित शिपयार्ड में लाकर कबाड़ में परिवर्तित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अनुसार धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा विमान वाहक पोत विराट को ई नीलामी के माध्यम से गुजरात के श्रीराम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को बेचा गया है। श्रीराम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज ने आईएनएस विराट को कुल 38 करोड़ रुपए में खरीदा है। हालांकि श्रीराम ग्रुप ने अभी तक सुपुर्दगी आदेश ऑर्डर नहीं दिया है। विमानवाहक पोत विराट को मार्च 2017 में नौसेना से मुंबई के नेवल डकयार्ड में डी कमीशन किया गया था। कमीशन का मतलब होता है उसको एम्प्लॉयड करना, डिप्लॉय करना, और उसको जब वापस लिया जाता है उसे डी कमीशन कहते हैं। आईएनएस विराट विश्व का सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाला युद्ध पोत है। इसके अलावा भारत के पास जो अभी वर्तमान समय में एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें से एक है आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य पर ही नौसेना के पहले हल्के विमान तेजस को लैंड भी कराया गया और टेक ऑफ भी कराया। तेजस की लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों ही आपके जयदीप मावलंकर जो कि नौसेना अधिकारी हैं उन्होंने करवाई थी। आईएनएस विक्रमादित्य भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो 45,400 टन का डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी कि बड़ा जहाज है, भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा हमारे पास आईएनएस विक्रांत भी है। आप सोच रहे होंगे कि आईएनएस विक्रांत को तो अभी हाल ही में स्क्रैप किया गया था, ये आईएनएस विक्रांत 2013 है और जो स्क्रैप किया गया था वो पुराना वाला था, उसी पर एक बजाज ने बाइक निकाली थी, बजाज विक्रांत, याद है ना आपको, तो वो उसके पर भी था। ये अभी भी हमारा कार्य कर रहा है। तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और है, एक आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो कीव क्लास है, कीव, और दूसरा वाला आईएनएस विक्रांत श्रेणी का है। आईएनएस विक्रांत खुद में एक श्रेणी है और इसका एक पुराना वाला अभी 2013 में रिटायर किया गया था, तब उसको यहां पे कमीशन किया गया, ये नया वाला आईएनएस विक्रांत है। अगली जानकारी है, अगर आप किसी तरह की अवसादग्रस्त समस्या से जूझ रहे हैं या मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं या तनाव से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपकी मदद करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये वर्तमान समय में किसके पास है, ये TC गहलोत यानी कि थावर चंद गहलोत जी के पास है। तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास करने के लिए एक नई टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है और इसका नाम रखा गया है किरण। किरण नाम की हेल्पलाइन किसने शुरू की है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको शुरू किया है ताकि लोगों को जो मानसिक समस्याएं हैं उनसे आजादी दिलाई जा सके। और इसका टोल फ्री नंबर है 1800-599-0019। अगर आप थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको शांति नहीं मिल पा रही है, आपको परेशानी से महसूस हो रही है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। बिकॉज क्योंकि एक बार में 300 लोग, एक घंटे में 300 लोगों को संभालने की क्षमता के साथ 660 वॉलंटियर काम करेंगे और इन सभी को अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक जानकारी है कि किस तरीके से आपके अवसाद को या आपके चिंतन को दूर किया जा सकता है। कोविड-19 के दौरान जो लोग घर में अकेले रहे,
कई सारे लोगों के काम धंधे छूट गए, कई सारे लोगों को नुकसान हो गया, तो इन सभी की वजह से उनके पास कई तरह की मानसिक समस्याएं हैं, जिसको दूर करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जो कि वर्तमान समय में थावरचंद गहलोत के पास है, उन्होंने एक हेल्पलाइन जारी की। उसका नाम रखा गया है किरण हेल्पलाइन। अगली जानकारी तब चलते हैं। एक अच्छी जानकारी है और मतलब आंकड़ा है एक तरह का, कि अभी हाल ही में क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो भारत के कई सारे आंकड़े जारी करती है। उसने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की जो औसत आय है वो दोगुनी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसा हुआ ये कि कई सारे प्रवासी भारतीय अपने अपने राज्यों में लौटे। जब वो अपने अपने राज्यों में लौटे तो सरकार, जो कि राज्य सरकारें थीं, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 57 लाख लोगों को मनरेगा में के तहत रोजगार दिया था। और इस वजह से उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार प्रदान किया है सबसे ज्यादा मात्रा में। अगर हम बात करें तो इसमें हुआ क्या कि कई सारे राज्यों को लगा कि उन्हें अपने प्रवासियों की या जो उनके श्रमिक लौट के आए उनकी मदद करनी चाहिए, तो उनको कुछ और रास्ता नजर नहीं आया। उन्होंने सीधा इसका फंड मनरेगा की तरफ ट्रांसफर कर दिया कि मनरेगा के तहत रोजगार बनाओ, जो सड़क नहीं बन रही वो सड़क बनवाओ, जो नालियां नहीं बन रही वो नालियां बनवाओ। और इस तरीके से रोजगार में अगर वृद्धि हुई तो रोजगार में वृद्धि होने की वजह से उनकी आय तो ऑटोमेटिकली बढ़नी ही थी। मनरेगा की बात करें तो पहले मनरेगा के तहत 192 रुपये मजदूरी दी जाती थी, लेकिन अभी हाल में इसे इस बार के बजट में बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। ये कहीं मैंने लिखा भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 202 रुपये यहां पर उनकी मजदूरी कर दी गई थी और 202 रुपये पर डे के हिसाब से प्रतिदिन की मजदूरी उन्हें मिलती है, और इसके अंतर्गत उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जो मनरेगा के अभी इंप्लीमेंटेशन है कि कम से कम 100 दिन का रोजगार उनको देना चाहिए। तो इस तरीके से 200 × 100 कर दीजिए तो उन्हें 20,000 रुपये लगभग प्राप्त हो जाते हैं। हाल ही में जारी कृषि रिपोर्ट के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिमाह औसत आय वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान 1,000 रुपये प्रतिमाह हो गई है। आंकड़ा कृषि का है तो मानना पड़ेगा। इस समीक्षा दिन अवधि में प्रतिदिन औसत मजदूरी में 12% की वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बहुत से प्रवासी श्रमिकों को उनके गांव में वापस जाना पड़ा है, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक देखी गई, जहां पहले 4 महीनों में कार्य आवंटन में 50% से अधिक वृद्धि हो गई है। तो जब सरकार एफर्ट डालेगा तो जाहिर सी बात है ये बढ़ना ही था, तो इसमें ऐसा कुछ नया चीज नहीं है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत इस योजना के लिए 61,500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। और बाद में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए महामारी के आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की और वृद्धि की गई, और संशोधित आवंटन पर विचार करने पर वित्त के पहले 4 महीनों में 50% से अधिक धनराशि खर्च भी की जा चुकी है। तो मनरेगा की बात करें तो मनरेगा पे बाद में जाएंगे, पहले एक न्यूज ऑन एयर की एक न्यूज है कि यूपी बिकम्स टॉप स्टेट इन कंट्री टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स अंडर मनरेगा। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में अगर हम बात करें तो एक दिन में ही 57 लाख लोगों को रोजगार देने के कारण मनरेगा का जो है गॉट एम्प्लॉयड, एक दिन में ही 57,12,975 लोगों को ये रोजगार दिया गया, तो मनरेगा का टॉप स्टेट बन गया था ये। अब मनरेगा की बात करें तो इसकी शुरुआत 7 सितंबर 2005 में की गई थी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम पे। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। मनरेगा के पीछे जो आइडिया था, मनरेगा का आइडिया किसने दिया था कि किस तरीके से गरीबी को दूर किया जा सके, तो बेल्जियम में जन्मे एक अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है जे द्रेज ने यह आइडिया दिया था कि मनरेगा का जो बेसिकली आइडिया है, पीछे से किस व्यक्ति का दिमाग काम किया है, तो वो है जे द्रेज, जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट करवाया था। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इसको बदल दिया गया था। अगली जानकारी है, प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परंजपे, बहुत फेमस कोच है, कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को कोचिंग दी है, क्रिकेट की कोचिंग इन्होंने दी है। क्रिकेट द्रोणा नामक इनके ऊपर पुस्तक लिखी जा रही है, जिसका विमोचन 2 सितंबर 2020 को किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परंजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जयंतीन परंजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है। आनंद वासु की पुस्तक है क्रिकेट द्रोणा, इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस पुस्तक में आपको मैं बता दूं कि पेंगुइन छोटी मोटी किताबों को प्रकाशित नहीं करता है, ये भारत का सबसे बड़े पब्लिशर्स में से एक है। ये किसी हम जाएंगे तो हमारी पुस्तक नहीं छापेगा ये। इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के कैरियर को आगे बढ़ाने में परंजपे के प्रभाव के बारे में बताया गया है।
यह पुस्तक उन लोगों द्वारा काफी अहम होगी जिन्होंने अपने कैरियर में कभी न कभी वासुदेव परंपराजापे के साथ काम किया है। इस पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के निबंध भी शामिल हैं। तो क्रिकेट द्रोण किस पर लिखी गई है? वासुदेव जगन्नाथ परंपराजापे। लिखी किसने है? आनंद बासु ने। अगली जानकारी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए सर्किलों का निर्माण करने की बात की है। सर्किल का मतलब होता है कि एक एरिया बना देना कि उस वहां पर जाएं और लोगों उसके बारे में जानकारी उठाएं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1861 में जॉर्ज कनिंगम के प्रयासों के बाद ही भारत में पहला बार पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। और नए सर्किल में मध्य प्रदेश को शामिल किया जा रहा है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए जा रहे हैं, जिनमें त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्किल के रूप में स्थापित किया जाएगा। हमारे पास पहले से ही 29 एएसआई सर्किल थे, अब यहां पर 7 और बढ़ जाएंगे तो 29 और 7 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक डेवलपमेंट किया जाएगा, आगरा के साथ बुंदेलखंड में, झांसी में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ सहित 2 नए सर्किल बनाने की घोषणा की गई है। जबकि मध्य प्रदेश में भोपाल में जबलपुर को एक नया सर्किल घोषित किया गया है, इसमें जबलपुर, रीवा और शहडोल और सागर संभागों को स्मारकों को जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु में त्रिची को सर्किल में जोड़ा जा रहा है, साथ ही कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हम्पी शहर के हम्पी मिनी सर्किल को पूर्ण विकसित करने सर्किल में बदल दिया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में रायगंज को कोलकाता के साथ एक नया सर्किल बनाया गया है और गुजरात में बड़ोदरा के साथ राजकोट को एक नए सर्किल की घोषणा की गई है। देखिए सर्किल से क्या होगा, मैनेजमेंट बढ़ेगा उसका, मतलब एक पता चल गया। जैसे आप ये सोच रहे हो कि राजकोट बड़ोदरा के साथ राजकोट को जोड़ दिया गया है, तो बड़ोदरा और राजकोट क्या करेंगे, अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे इस मामले में, यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण के मामले में। तो कितने नए सर्किल बनाए गए हैं? 7 नए सर्किल बनाए गए हैं और अभी हाल ही में वी विद्यावती एएसआई की नई डायरेक्टर जनरल बनाई गई थी। और ये न्यूज ज्यादा पुरानी नहीं है, मुझे लगता है कि ये मई 2020 की न्यूज है, मई में आई थी ये न्यूज। वी विद्यावती को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में इसकी स्थापना की थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, बट ऑब्वियस है। और हाँ ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सारनाथ का स्तंभ बनाया गया है और ये लिया गया है। और प्रत्न कीर्तिम पावणु, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी प्रत्न कीर्तिम पावणु हो सकता है कि कभी किसी जगह किसी का दिमाग घूम जाए कि पूछ ले कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मोटो क्या है, तो मोटो भाई प्रत्न कीर्तिम पावणु। अगली जानकारी पर चलें, दुनिया भर में जहां पाकिस्तान की आलोचना हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है, भारत के साथ वो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ होता है, जैसे कि जार्डन बेस्ड पब्लिकेशन है द मुस्लिम 500 ने इस बार प्रधानमंत्री इमरान खान को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है, यानी कि वो मुस्लिमों में बड़ा प्रभावशाली जो उनका व्यक्तित्व रहा उसकी वजह से इसको घोषित किया गया। ये खिताब अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए उनको दिया गया है, कि कई सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहां भारत पाकिस्तान का युद्ध हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, इस प्रयास के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। विवादास्पद अमरीकी कांग्रेस की सदस्य रशीदा तलीब को वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान को दुनिया के 16वें सबसे प्रभावशाली मुस्लिम के रूप में भी ख्याति प्राप्त हुई है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, इनको मुस्लिम 500 ने मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। वर्ल्ड वाटर वीक, विश्व जल सप्ताह 24 तारीख से लेकर 28 अगस्त के बीच में मनाया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह घर, WWW Week, World Water Week at Home पर 24 अगस्त से 28 अगस्त 2020 तक मनाया जाएगा। विश्व जल सप्ताह 2020 का मुख्य विषय है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद से एक स्टॉक होम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक वैश्विक कार्यक्रम है जो पृथ्वी के पानी के मुद्दों और इससे जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मनाया जाता है। अगर आप वर्ल्ड वाटर डे की बात करें तो एक्स्ट्रा जानकारी, WWD वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद जरूर होना चाहिए, हर किसी को याद होना चाहिए। और इसी में अगर आप जोड़ देंगे एक्सेलरेटिंग एक्शन तो आपका वर्ल्ड वाटर वीक बन जाएगा। इसी तरीके से वर्ल्ड अर्थ डे भी मनाया जाता है, WED वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना आसान रहेगा आपके लिए, दोनों ही मार्च और अप्रैल सेम मंथ है, मतलब कि एक एक मंथ का गैप है, 22 तारीख को मनाए जाते हैं। और इस बार इसकी जो थीम रही थी वो रही थी क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट
चेंज। जबकि क्लाइमेट इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट इमरजेंसी भी ये शब्द आपको सुनने को मिला होगा। क्लाइमेट इमरजेंसी जो शब्द है इसको इस बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? क्लाइमेट इमरजेंसी को। अगली जानकारी है 26 अगस्त 2020 को हम मदर टेरेसा की अभी हाल ही में 110वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे। और अगर हम बात करें तो देश की प्रमुख समाज सुधारकों में या समाज सेवकों में मदर टेरेसा का नाम बहुत ज्यादा फेमस रहा। 26 अगस्त 2020 को महान संत मदर टेरेसा का 110वीं जयंती मनाई गई। वह 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे मैसिडोनिया में उनका जन्म हुआ था। मदर टेरेसा 1929 में भारत आई थी और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत के निराश्रितों की सेवा में व्यतीत किया। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और कोलकाता की सड़कों पर गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों को 45 साल तक सेवा की है। उन्हें उनके महान कार्यों के लिए 1979 में नोबल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न सहित पुरस्कार सम्मानित किया गया, जबकि 4 सितंबर 2016 को उनको संत की उपाधि दी गई थी। अब बारी है आज के वन लाइनर की। सामाजिक न्याय मंत्रालय और की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या रखा गया है? किरण। और सरकार ने केंद्रीय बजट में मनरेगा के तहत कितने रुपए आवंटित किए थे? 61,500 करोड़। विमान वाहक पोत विराट को अलंग में भंग करने के लिए भेजा जाएगा, वह किस राज्य में अभी स्थित है? गुजरात में अलंग में भेजा जाएगा। और 200 अरब डॉलर की संपत्ति पर धरती के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जेफ बेजोस। और अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। क्रिकेट द्रोना पुस्तक किस प्रसिद्ध कोच पर आधारित है? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, अनुराग बसु ने लिखा है इसे। जार्डन बेस्ड पब्लिकेशन द मुस्लिम 500 ने किसको मैन ऑफ द ईयर का घोषित किया है? तो वह इमरान खान। और हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने सर्किलों की घोषणा की है? संस्कृति मंत्रालय से याद आया, संस्कृति मंत्री कौन है वर्तमान समय में? प्रहलाद सिंह, याद रखिएगा। वर्तमान समय में संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह। विश्व जल सप्ताह 2020 का मुख्य विषय क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। और महान संत मदर टेरेसा की 110वीं जयंती कब मनाई गई? 26 अगस्त को। अब बारी है आज के क्विज की। सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या रखा गया है? किरण। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत मनरेगा के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और विमान वाहक पोत विराट ने अलंग को भंग करने के लिए भेजा जाएगा, वह किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका गुजरात में स्थित है, आईएनएस विराट। एंड 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले धरती पर पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो है जेफ बेजोस, अमेज़न के संस्थापक और अमेज़न के मालिक। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो है जेम्स एंडरसन। और क्रिकेट रोना नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध कोच पर आधारित है? वासुदेव जगन्नाथ परंजपे। जार्डन बेस्ड पब्लिकेशन द मुस्लिम 500 ने किसको मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की है? तो 7 नए सर्किलों की घोषणा की गई है। विश्व जल सप्ताह 2020 का मुख्य विषय क्या है? विश्व जल सप्ताह 24 से लेकर 28 अगस्त के बीच मनाया जाएगा और इसका जो थीम है वो है वाटर क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। महान संत मदर टेरेसा की 110वीं जयंती कब मनाई जाएगी? ये मनाई गई अभी हाल ही में 26 अगस्त को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।